अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, इस वक्त मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के बिल्कुल बाहर हूं। पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच देखने के लिए लोग मुख्तलिफ शहरों से आ रहे हैं। कोई कराची से आ रहा है, कोई गुजरांवाला से आ रहा है, कोई फैसलाबाद से आ रहा है। आज हमारे पीछे पख्तून भाई खड़े हुए हैं जो स्पेशली मैच देखने के लिए कोयटा से आए हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं, कोयटा से इतनी मोहब्बत क्या है मैच के अंदर, कोयटा से चल पड़े हैं मैच देखने के लिए ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, खान साहब, आज पाकिस्तान और इंग्लैंड का बड़ा अहम मैच है, तो आप कोयटा से मैच देखने के लिए आ गए हैं, ऐसी क्या वजह थी जनाब जो आपने इतना लंबा सफर किया, आप बताएं पहले। जी, ये पाकिस्तान की मोहब्बत है। पाकिस्तान की मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्रिकेट मैच से हमारा जुनून है। जुनून है आपका, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप बताएं सर जी, आप भी जुनून के लिए आए या दोस्तों के कहने पे साथ आ गए हैं? आप भी नहीं भाई, जहाँ जुनून के लिए आया। जुनून के लिए आए, बिल्कुल जुनून। तो आपको लगता है कि आज पाकिस्तान मैच जीते होंगे? पहले पिछला मैच पाकिस्तान तो बड़े बुरी तरीके से हारा था, परफॉर्मेंस इतनी नहीं दिखाई थी, तो इंशाल्लाह ये मैच जीतेगा। इंशाल्लाह उम्मीद है जीतेगा, इंशाल्लाह जीतेगा। अगर आज पिछला मैच पाकिस्तान जीत जाता तो आज में वो सस्पेंस नहीं रहता। ये बात है, पाकिस्तानी सस्पेंस डालना जानते हैं मैच के अंदर। सर जी आप बताएं जनाब आला, आज पाकिस्तान ये मैच जीतेगा? भाईजान, पाकिस्तान टीम ऐसी है किसी वक्त भी कुछ कर सकती है। सर जी आप पहले ये बताएं, हम लोग तो लाहौर के हैं, हम लोग जो टिकट लेनी है 5-6 हज़ार रुपए की और मैच देखने चले जाना है, आप लोगों का इस वक्त कितना पैसा लग चुका है यहाँ पे मैच देखने के लिए आने के लिए? ये अगर हम एक्सपेंसेस पूरे अपने मिलाएं, तकरीबन 13 साथी हम आए हुए हैं, तकरीबन हम 3-3.5 लाख खर्चा हो जाएगा। नाज़रीन जुनून हो तो ऐसा हो 3.5-4 लाख रुपया लगा के यहाँ पे मैच देखने के लिए आए, तो आज आपको मैच देखने का मजा आएगा। अगर पाकिस्तान हार भी जाता है फिर भी तो मजा तो आएगा। पाकिस्तान फिर भी जिंदाबाद है, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। पाकिस्तानी टीम में कौन सा खिलाड़ी ऐसा जिसको देखने के लिए आप टीवी के आगे बैठ जाते हैं? सबसे ज्यादा इन दिनों में हमारे दोस्तों में जो चाहते हैं रिजवान की है। रिजवान तो आपके इलाके का भी है ना, वहाँ का कोयटा का ही है वो भी। जी जी भी। जी, तो रिजवान के अलावा कौन सा प्लेयर ऐसा है जिससे आपको लगता है कि मैच की परफॉर्मेंस डालेगा तो पाकिस्तान मैच जीतेगा, आप बताएं? बाबर भाई। बाबर भाई, जी जी, बाबर भाई लाहौर के है, तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वो कोयटा से मेहमानों को जो है ना उम्मीद ही नहीं करेंगे। पाकिस्तानी टीम के लिए आप सर क्या पैगाम देंगे? जी जान से लड़ो और जीत के दिखाओ, हमारी मेहनत जो है रंगला, इतना दूर से आए हम, जिंदाबाद का नारा। आप पाकिस्तानी टीम को क्या पैगाम देंगे? हम पाकिस्तानी टीम को यही पैगाम देना चाहते हैं कि आप जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। आप बताएं, आप इनको लगता है इनको वेलकम कर रहे हैं लाहौर के अंदर मेहमानों को, पख्तून भाइयों को? जी मेजबान है जनाब, इनके लिए खुशी सलाम है कि पख्तून भाइयों को फुल प्रोटोकॉल दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सर, पाकिस्तान मैच जीतेगा? इंशाल्लाह जीतेगा और अच्छे तरीके से जीते। अच्छा जी, इनके एक भाई हैं वो भी तैयार हो रहे हैं, उनको चलती पग में इंटरव्यू कर लेते हैं उनका। खान साहब आज कौन जीतेगा मैच? आज पाकिस्तान जीतेगा। कौन सा खिलाड़ी आपको देखने का मजा आएगा आज? रिजवान। अच्छा जी, रिजवान साहब से तो हम सब प्यार करते हैं, बाबर भाई से भी करते हैं, मोइन अली साहब के लिए कोई मैसेज दे दें यार। मोइन अली शहजादे बन रहे जब वो खेलते हैं, मोइन अली कोई मैसेज दे। मोइन अली भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा खेलता है, पर हमारा ये हिजार है, ये हमारा ख्वाहिश है कि वो भी अच्छा खेले। कहते हैं कि वो भी हमें महसूस करेंगे इंशाल्लाह, अच्छा खेल दिखाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।